हाय फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आया हुआ है। मैं आज आप लोग को उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्री सागर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पोस्ट नेम है जो जूनियर इंजीनियर का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा इन सिविल याने तो फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग याने तो फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। वो लोग जो बोलते हैं कि डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियर का वैकेंसी नहीं आता है, वो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी रियल है या गलत है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो 1477 है। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष या नहीं तो फिर 21 से 40 वर्ष एज लिमिट है जो पोस्ट के अनुसार है। मैं लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, वहां से क्लियर हो जाएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है और किसी और पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। डेट ऑफ स्टार्टिंग है जो 30 अक्टूबर 2018 है। लास्ट डेट है जो 30 नवंबर 2018 है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी के लिए 225 रुपया है, एससी एसटी के लिए 105 रुपया है और पीएच वालों के लिए मात्र 25 रुपया है। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे सैलरी बहुत ही बढ़िया है। ग्रेड पे 4200 का है और जो पे स्केल है जो 9300 से 34800 रुपये है। मैं पहले से ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रखा हूँ। मैं आप लोग को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली वे में डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या जो है 4/2018 है। यहाँ पे लिखा हुआ सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन प्रतियोगिता परीक्षा 2018। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ पे देख रहे हैं कि आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि है 7 दिसंबर 2018। मतलब कि अगर फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई गलती हो गया होगा तो हम लोग 7 दिसंबर से पहले उसका सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि देखिए पोस्ट किस ब्रांच वालों के लिए कितना ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि विद्युत यांत्रिक के लिए 148, अवर अभियंता सिविल के लिए 382, अवर अभियंता जलकल के लिए 111 और जो कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उन लोगों के लिए 129 पोस्ट है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वहाँ पे देख आप लोग पढ़ लीजिएगा एक एक करके, मैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट में किस ब्रांच वाले के लिए कितना ज़्यादा सीट है। पहला देख रहे हैं कि विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा, अवर अभियंता इलेक्ट्रिकल या नहीं तो फिर मैकेनिकल वालों के लिए है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो 111 है और ये जो जॉब है जो परमानेंट जॉब है। कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, देखिए अवर अभियंता कृषि अभियंत्रण, यहाँ पे लिखा हुआ अस्थाई या अस्थाई, कहने का मतलब परमानेंट भी हो सकता है या नहीं तो फिर कैजुअल भी, वो डिपेंड करेगा। देखिए सबसे ज़्यादा सीट है जो प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश में सिविल वालों के लिए 287 यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है। फिर देखिए यहाँ पे मुख्य
अभियंता लघु सिंचाई विभाग लखनऊ, अवर अभियंता कृषि वालों के लिए 87 सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट 87 है और यहाँ पे जो एज है जो 21 से 40 वर्ष है। अब नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीट है जो रिजर्व है, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना तो कुछ सीट रिजर्व है। पीएच वालों के लिए सीट रिजर्व है, स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों के लिए सीट रिजर्व है, या नहीं तो फिर जो भूतपूर्व सैनिक है उन लोगों के लिए भी सीट यहाँ पे रिजर्व है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए सीट रिजर्व है। अब देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए जैसे कि विद्युत या यांत्रिक के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार या प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। कहने का मतलब कि AICTE से अफिलेटेड जो कॉलेज है उससे 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, गौर करने वाली बात है कि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश आवारी अभियंता कृषि अभियंत्रण है, जो इसमें दिया हुआ कि जो IAS एग्रीकल्चर भी है वो भी इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते, या नहीं तो फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दोनों इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि IAS एग्रीकल्चर या नहीं तो फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दोनों इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। अब देखिए ज़्यादातर के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, AICTE से कॉलेज एफिलिएटेड होना चाहिए। लास्ट में मैं यही एडवाइस दूंगा कि इस फॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस फॉर्म को फुलफिल करिए और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी आएगी तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।